हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सभी को बताते हैं कि फ्रंट हॉब जो आता है इकोमेट या 16-15, 18-15 जो भी ट्रक है उसका फ्रंट हॉब में क्या क्या सामान आता है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले लगता है ये, इसका नाम हो गया रेसर। इसके बाद लगता है बैरिंग, दो बैरिंग लगता है, एक इनर एक आउटर। ये आउटर बैरिंग हो गया, ये इनर बैरिंग हो गया। इसके बाद लगता है इसमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लगता है। इसके बाद लगता है, डिस्टेंस लगाने के बाद लगाते हैं आउटर बैरिंग। आउटर बैरिंग के बाद लगाते हैं इसमें ये वॉशर, और उसके बाद ये चेक नट लगाते हैं। उसके बाद इसको हम प्ले अनुसार, जितना इसमें प्ले देना चाहिए, जितना इसमें टॉर्क देना चाहिए उतना टॉर्क दे के फिर हब को घुमा के चेक करते हैं ये उतना लोड लिया कि नहीं लिया। उसके बाद हम लोग इसमें कप पैकिंग के साथ, ये इसको बोलते हैं कप। इसमें ऊपर से देखिए ये पैकिंग लगा हुआ है जो नीला कलर का दिख रहा है, पैकिंग के 10 नंबर बोल्ट के साथ, ये रहा इसका 10 नंबर का बोल्ट, बोल्ट के साथ इसको टाइट कर देते हैं। ये रहा इसका हब। तो ये डिस्टेंस लग चुका है, अब इसके बाद हम बैरिंग लगाएंगे। इनर बैरिंग होता है बड़ा वाला, उसको डालेंगे। ये हो गया इनर बैरिंग, ये है डिस्टेंस। तो इसके बाद हब डालेंगे। आउटर बैरिंग डालेंगे। हब ये हो चुका है, हब के बाद आउटर बैरिंग। तो इसको सेंटर बोल्ट की मदद से इसको आराम से अंदर डाल देंगे बैरिंग को। उसके बाद डालेंगे वॉशर और चेकनट, और चेकनट इसको टॉर्क करेंगे। ये 55 नंबर का होता है, इसको ज़रूरत के अनुसार टॉर्क देंगे। टॉर्क देने के बाद हब को घुमा के देंगे इतना लोड है कि नहीं हब पे। टॉर्क करने के बाद इसमें डालेंगे स्प्लिट पिन, इसको चीरा पिन बोलते हैं। ये सेंटर करके इसको डाल के बोल्ट को लॉक कर देंगे चेकनट को। कैप के ऊपर से कैप पैकिंग लगा के, ये जो पैकिंग दिख रहा है इसमें बोल्ट फंसा के इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। ड्रम, ब्रेक ड्रम लगाएंगे, गाड़ी हो गया कंप्लीट। आप चक्का लगा सकते हैं।